2 मिनट के लिए हरे कोई कृष्ण प्रश्न प्रभु जी करता दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हनुमान हनुमान हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है और हम सब अभी भगवान के इस विराट रूप के क्रिएशन में कैसे वो सारे ऑर्गन्स मैनिफेस्ट हुए, उनके जो तन्मात्र हैं आदि दैव आदि भूत और आदि आत्म, ये तीनों का मैनिफेस्टेशन होता है, इसका हमने पूरा चर्चा किया। और इसको आप अपने समय पे और अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। हालांकि एक बहुत बड़ा चार्ट डायग्राम में बनाने के फिराक में हूँ। हाँ, वादा ठीक। तो ये मैं हूँ ताकि आप सबको वन शॉट में सब समझ में आए। क्या चीज़? क्लास के वजह से डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये जो है ये तो ये जो सारा क्रिएशन है, ये सारा आदिदेव आदिभूत आदिआत्मा, ये मैनिफेस्ट हुआ है। अब आज हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्म रूप में भी कैसे वो मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो है वो दिखने वाला है। कम से कम पहाड़ नदियां ये सब जो है दिख रही हैं, इंद्रिय ऑर्गन ये सब दिखने वाली है, लेकिन भगवान का सूक्ष्म रूप भी है। ठीक है, जिसको आप विश्व रूप कहते हो वो सूक्ष्म रूप है। विराट रूप ये दिखता है स्टैटिक, सूक्ष्म रूप जो है वो फ्लो में जाते रहता है। जैसे मेरे मन में विचार आया तो ये शरीर हिलेगा, मेरे मन के हाथ ऊपर करने का हाथ ऊपर जाएगा, पर ये स्टैटिक है, पर अंदर में डायनामिक्स है। जैसे इंजीनियरिंग में होता था ना, इंजीनियरिंग कौन सा सब्जेक्ट था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कौन सा था जिसमें स्टैटिक और डायनामिक दो 50-50 मार्क के पेपर होते थे स्टैटिक और डायनामिक को पढ़ पढ़ के लोग, तो वैसे ये डायनामिक में विश्व रूप। तो आइए उसको हम पढ़ते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। इनफैक्ट ये सब्जेक्ट समझने के लिए तो और डीप प्रार्थना चाहिए, भगवान की एक्स्ट्रा कृपा चाहिए। भगवान उसको कभी रिवील नहीं करते, जो जितना देखना चाहते उतना ही दिखाते भगवान, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुत्थितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय पितरे श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम लोग द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में, ये एक्चुअली स्कंद का आखिरी अध्याय है, ये अध्याय हो जाएगा तो हमारा 2 स्कंद हो जाएंगे। हरे कृष्ण। देखिए सिंसियरली हम और आप मिलके पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितना वहां एपिसोड है, पर 480-490 एपिसोड हो जाएंगे 2 स्कंदों मिला के। ठीक है, आइए 34वां श्लोक। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादिम अध्यानिधनम नित्यम नित्यम वान्मनसः परम। देयरफोर बियॉन्ड दिस ग्रॉस मैनिफेस्टेशन, ये जो आपको दिख रहा है उस स्थूल रूप से, इज अ ट्रांसेंडेंटल मैनिफेस्टेशन फाइनर देन द फाइनेस्ट फॉर्म। जो एक्चुअली अर्जुन ने देखा था ना बहुत सारे रूप, वो फाइनर वाले। इट हैज नो बिगिनिंग नो इंटरमीडिएट स्टेज एंड नो एंड। अर्जुन ने भी यही कहा था ना, इसका आगे आद्य अंत मध्य कुछ नहीं दिख रहा है। एंड देयरफोर इट इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एक्सप्रेशन और मेंटल स्पेकुलेशन एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मटीरियल कंसेप्शन। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में कहा है, अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, न तो इसका आदि है न मध्य है न अंत। अतः ये व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तो यहाँ पे बेसिकली भगवान का जो सूक्ष्म स्वरूप है, कौन सा भगवान? विराट पुरुष का। एक है महाविष्णु, एक गर्भदक्षा है विष्णु, उसमें विराट रूप। विराट रूप में स्थूल वाला जो अभी इतना हमने चर्चा की है, नाक कान आदि, और एक है उसका सूक्ष्म। तो वो जो सटल फॉर्म है वो आपको आपके चिंतन और बुद्धि और इसके क्षमता के ही बाहर है, मतलब आपके मुंह से तो आग निकलता नहीं, भगवान के मुंह से आग निकलता है क्योंकि बाउंसर जाएगा। भगवान के आंख जो है वो तेजोमय है, पूरा तेज चंद्र और सूर्य के भांति है। तो ये सब जो है ना, अभी पांव जो है अतल वितल सुतल हो जाएगा, ये नीचे वाला। अभी कोई तो मैं सुना था एक भविष्य मालिका में, पता नहीं भविष्य मालिका वाले अपने भविष्य करते रहते हैं, हालांकि इनका कुछ, अब इनका कुछ ऐसे चीजें हैं जो बाउंसर जाते हैं। अभी कल कोई बोल रहा था कि बहुत जल्दी ही दुनिया पलट जाएगी, सतल उतल ऊपर हो जाएगा, अब भूमंडल ये नीचे हो जाएगा स्वर्ग। क्या है, भगवान उल्टे हो जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वो विराट पुरुष उल्टे उल्टे हाथों हो गए ऐसा हो जाएगा। इतना भी कलयुग वो नहीं आएगा, अभी कलयुग चालू भी नहीं है। पता नहीं आपको कौन सा स्टेटमेंट चाहिए प्रभु जी, चाहिए भी होगा तो ये रिकॉर्डेड है, बाद में इसमें रिकॉर्डिंग से वापिस सुनो प्रभु जी। अंडरस्टैंड नहीं हुआ, प्लीज प्लीज सेम अभी जो बताया ना वही रिपीट कर दीजिए, जो सेम स्थान था। तो उधर से बोलिए वंस मोर मुझे जोश दीजिए सब लोग, वंस मोर वंस मोर। बात बात हो गया, आपने रिक्वेस्ट कर दिया। तो देखिए भगवान का, वापिस आता हूँ, महाविष्णु है अंदर में, गर्भोदक्षा है विष्णु, उनसे विराट रूप आता है स्टेम में। उस विराट रूप में ये महासमस्ती है, ये समस्ती है, और ये जो अंदर क्रिएशन बना विराट रूप का एक्सटर्नल, ये व्यष्टि है। अब जो सूक्ष्म रूप है वो हमारे इमेजिनेशन या बुद्धि के तर्क वितर्क के बाहर है,
कल्पना माता जी आपका अनम्यूट है, तो अभी मेरा आप लोगों से चेहरे से पहचान होना हो, आपके आइकॉन और आपके ये वर्डिंग से पता चल जाता है, और आप घर के किस कोने में बैठ के सुन रहे हैं वो भी समझ में आ जाता है, ठीक है, कस्टमर के साथ डील करते करते अनम्यूट हो जाते हैं वो भी समझ में आ जाता है, सिद्धि प्राप्त हो गया मेरे को। तो एनीवेज, तो हरे कृष्णा ही कश्यान, ठीक है, हरे कृष्णा। हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट है, बहुत सिंसियर है, आप सब जो लोग बहुत सिंसियर हो ना, जो सब रेगुलरली क्लास अटेंड करते हो, मैंने पहले भी ये ब्लेसिंग देने वाला मैं कौन हूँ, ले तो प्रॉपर देंगे, लेकिन ये मेरा वर्ड है कि आप सबको भगवान कृष्ण का दर्शन हो दिस वेरी लाइफ। वो इसलिए देंगे, वो बोलेंगे कि देखो इस गधे को कुछ आता भी नहीं था, फिर भी आप लोगों ने इसको सिंसियरली सुना, तो आपको मेरे बारे में इतना प्रेम है, तो इसलिए मैं आके आप लोगों से कुछ दर्शन दूंगा। भगवान बहुत बहुत दयालु है, भगवान सिंसियर है, बाकी तो भगवान ही देते हैं, हम हमारी क्षमता ही नहीं कि हम भगवान को समझ पाए। अभी भी भगवान अपनी कृपा से अपने आप को समझा रहे हैं, अपनी कृपा उन्होंने प्रभुपाद जी को दी, प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, आचार्यों के कमेंट्री को लिया, और आज हम लोग वो पढ़ के हम भगवान को समझ रहे हैं। सोचिए, लोग भगवान को खोज रहे हैं और हम अब सब जगह हम भगवान को देख सकते हैं, ये दर्शन दे दिया हमारे गुरुओं ने हमको, ये हमारा नसीब है। तो यस, तो एनीवेज, तो यहाँ जो विराट रूप है इसके दो रूप है, एक है कि स्थूल रूप है, अब एक सूक्ष्म रूप है। तो सूक्ष्म रूप जो है वो बहुत ही हमारे बुद्धि और लॉजिक और तर्क के बहुत परे है, हम नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? तो जैसे आप गीता में भी पढ़ेंगे तो असंख्य मुख है भगवान के, असंख्य। अब एक रावण को ही 10 मुंडन है तो हम लोग इतना टेंशन में आ जाते हैं, हाँ, कैसे कैसे उसका सर 10 सर हो सकता है। यहाँ असंख्य है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्र शीर्ष है, यानी सहस्त्र ने वो अनलिमिटेड है, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, सभूमिं विश्वतो वृत्वा, वो सब जगह जा रहे हैं, सब जगह उनका पाणि पादम तत्, सर्वत्र पाणि पादम तत्, सर्वत्र शिशिरो मुखम, 13वें अध्याय भगवान बोलते हैं, जो विराट मेरा परमात्मा स्वरूप है विराट रूप में वो ये है, ये एक परमात्मा है जो ब्रह्मांड के परमात्मा का ये रूप है, अंदर हृदय में जो परमात्मा, ये हमने दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें से 12वां श्लोक पढ़ा था, अंदर में वो धोती कुर्ता पहन के अंदर पीतांबर प्रसन्न मस्त प्रसन्न है, खुश है। तो ये जो फॉर्म है, ये जो भगवान का सूक्ष्म रूप है, विश्व रूप जैसा, वो समझना बुद्धि के परे है, और इसलिए उधर कहा गया है निर्विशेषणम। ये निर्विशेष का मतलब ये नहीं कि उनको कोई गुण नहीं है, मतलब इन भौतिक मटेरियल फॉर्म से वो अलग है, गुण 3 गुणों से परे है, और रूप जो है वो उनका मटेरियल रूप नहीं है सूक्ष्म का, ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। 35, अमुनि भगवत रूपे मयाते यनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः, neither of the above forms of the Lord as just described unto you from the material angle of vision is accepted by the pure devotees of the Lord who know him well। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तो दो रूप है, एक सूक्ष्म रूप है जो एकदम विशाल है, आप नहीं समझ सकते, अनंत मुख है, अनंत कहीं से अग्नि निकल रहा है, कहीं लोग मृत्यु का रूप है, नो अलग अलग सब भगवान के ही रूप है, जठराग्नि भगवान का रूप है, जो हमने 10वें अध्याय में विभूतियां पढ़ी है ना, 88 विभूतियां हैं, हाँ, मैं बलम बलवताम चाहम, ये जो बल है उसका बल भी मैं हूँ, बलवान है उसका बल मैं हूँ, बुद्धिमान का भी बुद्धि और तेज मैं हूँ, तो सारा ये जो सारा रूप है ये भगवान का है, ठीक है,
ये सब एक साथ समझना मुश्किल होता है कभी कभी, जैसे कभी कभी बिहेवियर होता है व्यक्ति का, सामने बहुत मीठा लगता है, बाद में देखा तो बहुत कठोर है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन वो कठोर एक परिस्थिति के लिए है और मीठा एक परिस्थिति के लिए, तो परिस्थिति डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन भगवान का सभी एब्सोल्यूट लेवल पे सब कुछ है, तो ये बुद्धि से समझ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जो पहले दो रूप आपको बताए कौन से, एक तो विराट रूप जिसमें सारा फॉर्मेशन बताए, और दूसरा है ये सूक्ष्म रूप, ये दोनों मिला के भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो नाइदर ऑफ दीज फॉर्म्स आर वर्शिप बाय डिवोटीज, तो जो भक्त है ना, वो इस इन दो रूपों को वर्शिप नहीं करते, इसलिए विराट रूप और विश्व रूप इसकी पूजा भक्त नहीं करते। आप कभी नहीं देखोगे आरती वारती हो रहा है, क्योंकि भगवान को उस रूप में वो देखना ही नहीं चाहते। भक्त जो है वो भगवान का चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप देखना चाहते। हरे कृष्णा। मेरा दरवाजा भी ऐसा है, इसके बीच में गैप है, आ जाओ। तो हरे कृष्ण। तो पैरेंट सेशन, तो ये जो रूप है दोनों, तो ये रूप में नहीं देखना चाहते, इसलिए अगर आपने देखा तो अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया, अर्जुन ने ये रूप जो है वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये रूप रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि आप अपने या तो नारायण रूप में आइए, या तो चतुर्भुज, या तो आप श्याम सुंदर के रूप में आइए, ये दोनों में से किसी एक रूप में आप मेरे सामने आइए। ये वाला रूप भाई अपने को बाउंसर जा रहा है ना, इसका आदि है ना अंत है ना मध्य है, ये कहाँ से चालू हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, आदमी का हाथ पाव दिखता तो समझता भी यहाँ है यहाँ रूप है, फिर यहाँ से वहां पाव वहां है, ये यहाँ कहीं लेटे हैं, मतलब इतने सारे रूप है तो आप नहीं समझ सकते। अब आप बोलोगे प्रभु जी ये है क्या, देखिए हमारे हमारे साथ जो जो होता है ना उसका भगवान का एक रूप है। मृत्यु सर्व हरश चाहम, सुनो ना यहाँ पे मुझे मिलना चाहते हैं, आइए माता जी आप 5 मिनट क्लास में बैठ गई और क्लास खत्म होते मिलने यार जाना है अभी, नहीं नहीं हाँ तो कर बैठ गई क्लास में बैठ जाइए, उधर चेयर है बैठ जाइए, क्लास को थोड़ा समय लगेगा 15 मिनट लगेगा, उससे पहले जाने तो बाकी है, ठीक है लाइव चल रहा है, ऑलरेडी 150 लोग बैठे बैठे क्लास सुन लीजिए फिर, ठीक है मैं समझ रहा था आज आ रहा है, ये हमारे पेरेंट्स हैं कुछ गुरुकुल के बच्चों का, ये देखिए अरे एक कैमरा में है, लेट तो हो गया था आपको करा देना चाहिए, सुनीता माता म्यूट कर दीजिए। हाँ यस बताइए माता जी आपको कैसा लगा प्रभु जी, माता जी कह रहे हैं कि आने के बाद जाने का मन नहीं करता है, एडवर्टाइज देखते थे ना एसएल वर्ल्ड जाऊंगा मैं घर नहीं आया था, अब जो है बच्चा भी सुधर गया ऐसा माता जी कह रहे, चलिए अच्छा है, कुछ कुछ अच्छा रिपोर्ट है, जैसे मेरे बच्चे में सुधार आया कि अच्छा है उसका हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक हो गया है, पढ़ाई की पहले का पीछा थोड़ा सा पढ़ने में भी है तो हो जाएगा, और अभी तो यहाँ भगवान जी के शरण में है तो आपसे बात करेंगे क्लास के बाद, अभी क्लास चालू रहती है, अरे माफ करिएगा पेरेंट्स हैं अभी आते जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान को ये कह रहे हैं कि वो जो जैसे जो भी सूक्ष्म कार्य है, जैसे मृत्यु सर्व हरश चाहम, भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु के रूप में सब हर लेता हूँ, तो जो मृत्यु का भयावह रूप है वो भी इस विश्व रूप का भाग है, सूक्ष्म रूप जो है उसका भाग है, और
जो जैसे भगवान कहते अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः पानापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ये चार प्रकार के चीजों को मैं पचाता हूँ, वो वैश्वानर मैं हूँ। अब उसका भी एक रूप है सूक्ष्म रूप, ये सारे रूप आप एक साथ भी देख के पगला जाइए। बलम बलवदाम चाहम, तो उस बल का एक रूप है, और ये सारे सूक्ष्म रूप एक साथ इतने कंफ्यूजिंग हो जाते कि आदमी बोलता है प्रभु आप अपना चतुर्भुज रूप में तो द्विभुज रूप ही दिखाइए। तो ये या भक्त जो है वो इन सब रूपों को पीछे नहीं लगता। 11वें अध्याय का जो 45वां श्लोक है उधर देख, पेपर है, पेपर से ढक देते कुछ नीचे पेपर वो बैक के नीचे। तो यहाँ पे वो 11वें अध्याय का 45वां श्लोक का रेफरेंस आता है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितो अदृष्ट पूर्वम ऋषितो स्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनोमे तद एव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, वो भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु आप अपना जो साधारण रूप है जो हम सबको समझ सकता है वही वाला दिखाइए, ये बाउंसर जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार 11वें अध्याय में पूरा विश्व रूप देखने के बाद भी भक्त जो है वो ये रूप नहीं देखना चाहते, भगवान का वैकुंठ रूप देखना चाहते हैं, कृष्ण वराह नरसिंह वामन ये रूप देखना चाहते हैं जो साधना योग्य है। अभी विश्व रूप साधना कैसे करेगा, ब्रह्म ज्योति कठिन है, उसके ऊपर विश्व रूप तो और वेरिएगेटेड है और कठिन है। विश्व रूप आता है ना वो फोटो बड़ा जिसमें सब आता है ऐसा आप देखते हैं बड़ा वो एक फोटो है, विश्व रूप जो है ये बड़ा कठिन है। 36 सवाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कह परहा ही, यानी भगवान कौन से भगवान की बात हो रही है अभी, महाविष्णु की, महासमस्ती की बात हो रही है। ही द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान स्वयं मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, वो अपने आप को इस दिव्य रूप में डाल देते हैं। बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल नेम क्वालिटी पास्ट टाइम्स एंटोराज एंड ट्रांसेंडेंटल वेरिएगेटेडनेस ऑल्दो ही इज अनअफेक्टेड बाय ऑल सच एक्टिविटीज ही अपीयर्स टू बी सो एंगेज्ड। यहाँ कह रहे हैं अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं, यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किंतु वे व्यस्त व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान महाविष्णु हैं उनकी बात हो रही है, वो जो है वो इधर आके एंगेज हो जाते हैं, तो उनका ये रूप जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक याद रखिए, ये विराट रूप विराट पुरुष फिर विश्व रूप फिर गर्भदक्षा विष्णु महाविष्णु भगवान के सारे अवतार, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। इतना ही है कि हम इस रूप में वर्शिप नहीं करना चाहते, वो मटेरियल से मिला हुआ है, माया का प्रभाव कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाँ भगवान जो है वो कार्यान्वित दिखाई देते हैं लेकिन वो उस कार्य में जैसे हमारे और आपकी तरह कार्य नहीं कर रहे, वो उनका कार्य जो है वो दिव्य है। जन्म कर्म से मे दिव्यम, दिव्यम यानी वो जैसे हम लोग कोई काम करते तो किसके लिए करते हैं, अपने पेट भरने के लिए करते हैं या अपने को कुछ सुख चाहिए उसके लिए करते हैं, भगवान उसके लिए करते ही नहीं, भगवान आप सबका उद्धार करने के लिए करते हैं। गीता में भी कहा है तो चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है, न माम कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। अगर कोई इतना ही बात जान जाए अर्जुन कि मैं न माम कर्माणि लिम्बन्ति, मैं किसी कर्म में लिम्ब नहीं फंसता, न मे कर्म फले स्पृहा, न मुझे कोई कर्म का फल छू सकता है, इति माम यो अभिजानाति, अगर कोई इतना सा भी बात समझ जाए तो क्या होगा, कर्म भी न स न बध्यते, वो बंधेगा ही नहीं, वो कर्म से
नहीं बंधे, वो जीव ही नहीं बंधेगा जो ये जान जाएगा कि मैं बंधनों के काम नहीं करता। दुर्भाग्यवश ये है कि कर्म मीमांसा करने वाले लोग क्या कहते हैं कि देखिए भगवान को भी काम करना पड़ता है, आते हैं तो ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। नहीं, भगवान वो केवल लीला के तौर पे करते हैं, वो किसी कर्म बंधन से बंधे हुए नहीं है। वो युद्ध करके खुद 64 करोड़ को मार देते तो भी मार देते, लेकिन ये संसार तो जीवों के लिए बना है, तो भगवान बोलते जीव जीव का काम करेगा, मैं क्यों करूंगी। उसका प्रारब्ध है तुम्हारे हाथ से मरना, तुम नहीं भी मारोगे तो मेरा प्रारब्ध उसको तुम्हारे हाथ से ही मरवाएगा। ये भगवान का जाल है, उन्होंने सब लिख के रखा है, आप करोगे तो निमित्त बनोगे, नहीं करोगे तो वैसे ही वो करवा देंगे, बस निमित्त बनने का जो श्रेय है वो नहीं मिलेगा। जैसे आप डिवोटी बनने ही वाले थे, वो मतलब कोई डिवोटी क्लास दे देने से आप भक्त नहीं बनेंगे, वो आपका भक्त बनने का तय था तो भगवान आपको भेज दिए उस जगह। आप नहीं भी बनना चाहोगे तो भी जबरदस्ती पता चला कोई ले गया, प्रसाद खिला दिया, लेक्चर दे दिया, कुछ कुछ करके आप भक्त। तो ये भगवान अपना काम, भगवान तो अर्जुन बोला कि प्रभु ये महा, ये आपका जो विश्व रूप है इसमें सारे सब भीष्म तक आपके मुंह में जाके मर रहे हैं। तो बोले हाँ, काल के प्रभाव में वो भी जाने वाला है। तो बोले तुम केवल निमित्त मात्र भव सव्य साची, हे सव्य साची केवल तुम निमित्त बन सकते हो और तुम्हारे हाथ में है भी नहीं कुछ। निमित्त बन भी नहीं सकते हो, निमित्त बनने की इच्छा रख सकते हो बस, वो भी निमित्त कैसे बनाना वो भी मेरा काम है। तो इसलिए भगवान ये आते हैं, ये क्रिएशन करते हैं, बट ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड, या उससे उनको कोई अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ओके। 37 से 40 अब जो है, अब तक हमने जो पढ़ा वो था सर्ग, याद है हमने दो पढ़े थे सर्ग और विसर्ग। तो सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, यानी ये सब बाहर आना, हाँ, आदिदेव आदिभूत आदि आत्म महासमस्ती समस्ती वेष्टि, ये सब का मैनिफेस्ट होना जरूरी है। अब लेकिन इसको चलाने के लिए ब्रह्मा जी को देना पड़ेगा, तो दो ब्रह्मा जी हो सकते हैं। एक ब्रह्मा जी है जो जीव है, जो बहुत बहुत पावरफुल है, यानी वो बहुत ही प्योर है, तो उसको ब्रह्मा का स्थान मिल जाता है। और दूसरा है अगर वो नहीं है तो भगवान महाविष्णु ही स्वयं ब्रह्मा बन जाते उस ब्रह्मांड में। और ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहा गया, हिरण्यगर्भ के अंदर रहते हैं और वो सारे जीवों के पिता हैं। अब उनकी जिम्मेदारी में छोड़ दिया है, जैसे हम लोग माता पिता बनते हैं तो उस बच्चे के ख्याल रखते हैं, एक्चुअली हम उसके माता पिता नहीं है, वो जन्म के लिए हमें ये भास दिया गया है कि तुम्हारे कोख से जन्म लिया है तो तुम माँ हुई, ये पापा हुए, अब इसके जिम्मेदारी करो, नहीं करोगे तो कर्म से बंधोगे। वैसे ब्रह्मा जी का जिम्मेदारी है हम सब जीवों को ढंग से एंगेज करना, पूरे टीम को, ये रोहित शर्मा वाला काम है वर्ल्ड कप जिता के देना। वैसे ब्रह्मा जी का काम है सिर्फ मैच नहीं खेलना है, वर्ल्ड कप भी जीतना है, यानी सभी जीवों को भगवत धाम भी भेजना है। तो ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करना है, ऐसे शरीरों का निर्माण करना है, ऐसे ग्रहों का निर्माण करना है कि वो अपने अपने चीजों को वहां जाके सीख के आए। अगर वो भूलोक में जाए तो सब सीख के आए, स्वर्गलोक में जाए तो अपना सुख भोगे और बाद में पता चल गया इसमें कोई सुख नहीं है, कोई भी सुख नहीं है। कल भी हमारे यहाँ, अब देखिए हम लोग जनरली लोग जाते हैं कलेक्टर डेप्यूटी कलेक्टर इन लोगों के पास जाके बैठते हैं, साहब साहब कमिश्नर कमिश्नर, हमारे यहाँ लोग आते हैं। कल हम लोग, मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो एक डेप्यूटी कलेक्टर माता जी आ गई, मुझे नहीं मालूम था, बाद में खुद बोली हम डेप्यूटी कलेक्टर, तो मैं खड़ा हो गया आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बच्चों को बोला मैडम, तो सब खड़े हो गए आउट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। फिर उनको पता चला कि इतने सारे बच्चे हैं और सब को फ्री में पढ़ा रहा, वो माता जी ही टेंशन में आ गई, बोलती अगर मैं ये मेरे किसी जिले में करूं तो इतना ना बजट आएगा तब होगा। बोले आपको तो कोई बजट ही नहीं फिर भी आपका चल रहा है। बोला माता जी भगवान पे भरोसा रखिए, जिसका पेट है उसका अन्न भगवान भेजेंगे। तो पॉइंट क्या है कि जहां आप कहीं जाते हैं अच्छा काम आप करेंगे तो वो आपके पास आकर्षित हो जाते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा जी जो है वो सभी जीवों को देखरेख करते हैं, उनका दायित्व है। तो सबको अलग अलग स्थान में रखना,
और उनको वहां वो अलग अलग दायित्व तो देके एंगेज करना। देवताओं को भी नहीं छोड़ा है, हमें लगा कि वाह वाह हमने पुण्य किया देवता बन गए, देवता गया अरे ले ये पद, आज से तू वायु देवता, आ हा हा हा, अब वो बैठा बैठा वायु मैनेजमेंट करेगा। सोचो अब जैसे मंत्री मंत्री बनते हैं, आज जैसे लोकसभा राज्यसभा से लोग जीत के जाते हैं, फिर वहां कैबिनेट मिनिस्ट्री सब मिलता है, तो जब ये सब मिलता है तो क्या होता है, तो ये मिलता है तो उसमें दायित्व तो भी मिलता है। सी मिनिस्ट्री लेके कार लेके नहीं घूम सकते, आपको वो दायित्व तो निभाना पड़ेगा। और ये दुनिया हमें भगवान ने ऐसा बनाया और ब्रह्मा जी ने भी ऐसा बनाया है, माया ने तो भ्रम रखा ही है, अब ब्रह्मा जी ने ऐसा एंगेज करके रख दिया है कि जो आपका फेलियर प्रोजेक्ट है उसी में आप एंगेज हो जाएंगे। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, वो अपने परिवार शादी तो किए नहीं लेकिन वो फैमिली मैनेजमेंट करते हैं 140 करोड़ लोगों का, जो शादी नहीं किए हैं वो फैमिली मैनेजमेंट करते हैं। योगी जी जो संत है वो गुंडों को पीट रहे, और राहुल गांधी जिसको ज्ञान ही नहीं है वो ओपोजिशन में बैठा दी ब्रह्मा जी उसको, ये काम करो तुम ओपोजिशन में बैठोगे ना तो दिमाग चलेगा, तुम्हारा कोर्स वहां पूरा होगा। इनको बोले तुम पत्नी को छोड़ के देश का काम किया लेकिन वो धर्म भी तुमको सीखना चाहिए, तो एक काम करो तुम बड़ी सोच के हो तो तुम्हें पूरा पूरा देश दे देते हैं, अब पूरे देश के गरीबों का महिलाओं का इनका विचार करो जाओ। तो सबको भगवान जो है वो एंगेज कर देते हैं ब्रह्मा जी, तो ये ब्रह्मा जी का काम है। तो ब्रह्मा का अब जो है विसर्ग क्रिएशन आएगा, पहले आया सर्ग प्राइमरी क्रिएशन, अब आएगा विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन। अब उसमें क्या आ रहा है सुनिए, क्या क्या क्रिएट हुआ, वही जो विराट पुरुष है जो सूक्ष्म रूप में थे, अब वो ब्रह्मा जी के रूप से फिर एक ऐसे वैरायटी बना रहे हैं सो देखिए, क्योंकि जो ही इंद्रियाए उनके तन्मात्राए इमीडिएटली उनके देवता आ गए। अब आगे देखिए क्या होता है, यहाँ 37 से 40 यानी चार श्लोक है, एक साथ पढ़ेंगे चारों श्लोकों को और फिर हम लोग आगे जाएंगे। क्या क्या बनाया देखिए, मतलब ब्रह्मा जी ने, मतलब ब्रह्मा जी को बना के फिर क्या क्या बनाया और ये सब उत्पत्ति हो गए। देखिए क्या क्या बनाया, प्रजापतिन मनुन देवान ऋषिन पितृ गणान पृथक सिद्ध चारण गंधर्वान विद्याधरा सुर गुह्यकान किन्नराप्सरसो नागान सर्पान गिम पुरुषान नरान मातृरक्षः पिशाचांश प्रेत भूत विनायकान कुष्मांडोन्माद वेतालान यातुद्धानान ग्रहानपि खगान मृगान पशुन वृक्षान गिरिन्द्रप सरिसृपान द्विविधाश्चतुर्विधायिन्ये जलस्थलान नभौकशः कुशाला कुशाला मिश्रः कर्मणां गतयस्त्विमः। अब आएगा, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ फिर हिंदी पढ़ेंगे। ओ किंग यानी सूत गुरु सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे, हे राजन, नो फ्रॉम मी दैट ऑल लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। ये सारे जीव जो है वो किन से बने हैं, भगवान से बने हैं, लॉर्ड अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट डीड्स। बने मतलब कौन से, आत्मा नहीं, ये जो शरीर बना है उसको लिविंग एंटिटी कहा गया कि भाई वो बद्ध जीव। दिस इंक्लूड्स ब्रह्मा एंड हिज ओन सन्स लाइक दक्ष, ब्रह्मा जी और दक्ष, द पीरियोडिकल हेड्स लाइक वैवस्वत मनु, और जो हर समय समय में आते हैं मनु, अलग अलग मनु आते हैं ना, ये मनु वैवस्वत मनु ऐसे जैसे बाकी लोग, द डेमिगॉड्स लाइक इंद्र, भगवान इंद्र, चंद्र एंड वरुण, चंद्र और वरुण ये दोनों, चंद्र देवता वरुण देवता, द ग्रेट सेजेस लाइक भृगु, जो भृगु मुनि है वैसे बड़े ऋषि मुनि, व्यास एंड वशिष्ठ, व्यासदेव और वशिष्ठ, द इनहैबिटेंट्स ऑफ पितृलोक एंड सिद्धलोक, जो
पितृलोक है और सिद्ध लोक है, यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोगों को बनाया। ज चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर एंड एंजल्स। ये चारण गंधर्व, गंधर्व होते हैं जो गाते हैं देवताओं के, उसमें टेंडे ने टंबुरा बजाते हैं। विद्याधर असुर होते हैं, यक्ष होते हैं, यक्ष होते हैं जो कभी गायब हो सकते, आ सकते यक्ष लोग। किन्नर, किन्नर यानी वहां के सेवक। एंजल्स, एंजल्स यानी जो वहां के एंजल्स, मुझे लगता है अप्सराओं की बात हो रही है। असुर गय्यकान किन्नर अप्सरा, द ब्यूटीफुल एंजल्स ऑफ अप्सरा प्लैनेट, अप्सराओं का अप्सरा होती है। द सर्पेंटाइन्स नागलोक, वो नीचे है, यहां से जमीन के 100 योजन नीचे जाओगे तो नागलोक है। द मंकी शेप्ड किम पुरुषस, किम पुरुष होते हैं जो पुरुष की तरह होते हैं लेकिन मुख वानर का होता है और पूंछ होता है, ये किम पुरुष लोग से लोग आते थे त्रेता युग में, इसलिए रामायण में वहां से वो अलाउड थे, अभी इस युग में अभी अलाउड नहीं है। द ह्यूमन बींग्स मनुष्य, द इनहेबिटेंट्स ऑफ मातृलोक, मातृलोक है वहां के रहने वाले। द डीमंस, डीमंस यानी असुर, असुर होते हैं। पिशाच, पिशाच यानी जो एक होता है भूत, इसके आगे भूत लिखा है घोष्ट, तो घोष्ट होता है जो अकाल मर जाता है, और अकाल में जो तड़प के मरता है वो बनता है पिशाच, उसमें बदले की भावना होती है, वो मार देता है सामने वाले। भूत जो है वो अपनी इच्छा पूरी करता है, जाता है किसी में चढ़ जाता है, हाँ वो कर लेता है। ये सही बात है, अभी हम क्लास दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन आंसर भी पूछ, सवाल जवाब करेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै, ना सही रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हाँ, तो पिशाच घोष्ट यानी भूत, स्पिरिट्स, स्पिरिट्स यानी भटकती आत्माएं, ये भी होती है। लुनेटिक्स, लुनेटिक्स यानी पागल, एंड एविल स्पिरिट्स, ये लुनेटिक जो होते ना वो आधे अलग ही टाइप के होते हैं, वो बात एकदम सही करेंगे लेकिन उनके मन में एक रहता है, ये मुझे मारने के लिए आया है, इसको भेजा गया है ताकि मुझे तकलीफ हो, वो लुनेटिक होता है, वो हमेशा ऐसे उल्टा ही सोचता है, उसके पास जाके समझाए नहीं बाबू ऐसा नहीं, ऐसा पागल खाना होता है ना पुत्र, ऐसे ही रहता है पागल खाना, जब नर्स नर्स आती है इंजेक्शन देने के लिए तो वो बोलता है मेरे नजदीक आ रही हो, शादी करोगी क्या अब, नर्स बोलते अरे भाई तू पागल है, हाँ पहले पागल बोलना है फिर बातों में उलझाना है। अब वो, अब प्रॉब्लम क्या है कि वो गलत नहीं है, उसकी वजह से सोच बन गई है, तो इसको बोलते हैं लुनाटिक, लुनाटिक जो पूर्णिमा में एकदम हाइप हो जाते हैं और अमावस्या में एकदम डाउन हो जाते हैं, लुनाटिक बोलते हैं। एंड इविल स्पिरिट्स, अब स्पिरिट में भी ना नॉर्मल भटकते आत्माएं होते हैं, ना किसी को बुरा करते हैं ना अच्छा करते हैं, एक होता है एविल स्पिरिट्स जिनको वश में कर लिया होता है काला जादू वालों ने, तो उसको इस्तेमाल करते, इसको लेके आ वो कर ये कर, इविल स्पिरिट्स। एक बार एक आई थी औरत मेरे गुरुकुल में, आदमी और औरत आए थे, अभी भी हो रहे हैं एक जगह, वो आए थे प्रभुजी हम सेवा करना चाहते हैं, मुझे लगा ठीक है, मैंने नहीं लाया था किसी और ने लाया था, उनको पता ही नहीं था कि मैं लीडर हूँ, तो बाद में वो उस बंदे के साथ जिसको उनको लगा ये लीडर उसके साथ रहे, उनको थोड़ी देर बाद पता चला कि मैं लीडर हूँ, तो उन्होंने मेरा नया चप्पल लेके बताया भी नहीं, हम खेती करना चाहते हैं बोल के 4 फुट खोद के मेरा चप्पल और एक घोड़ा बांध के उसके घुंघरू उंगरू बांध के उसको डाल दिया है। बाद में हमारे यहाँ एक हादसा हुआ था, एक हादसे में हमारे एक बच्चे को डेथ भी हो गया था एक्चुअली, वो हम हमारा नया जो स्कूल बना रहे हैं उस बच्चे के नाम से बना रहे, उसका नाम चंदन बेदिया था, उसके नाम से स्कूल बना रहे हैं इन मेमोरी, चंदन बेदिया मेमोरियल स्कूल हम जो बना रहे हैं, नया स्कूल बना रहे हैं। एनीवेज उसके पेरेंट्स भी बात समझे, वो तो आंधी तूफान से, तो बाद में थोड़ा मैंने सर्च किया कि क्या है, तो मुझे कोई बोला कि किसी ने ना आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो किया है, तो मैं बोला इससे तो कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन फिर भी जैसे हादसा हुआ तो मैंने सोचा कि देख लिया जाए, तो बाद में मुझे एक चीज ध्यान आया,
कि वो औरत जो है ना उस खेत में जाके कुछ तो खोदती थी, लेकिन यहाँ कोई सब्जी ही नहीं आया, ना कोई सब्जी आया, ना फल ना फूल, तो लगाया क्या इसने। तो वो तो बच्चे थे ना एक दो काम में वहां पे जो उनके साथ सेवा में थे, मैंने उन बच्चों को बोले इधर आओ, बोले कहाँ कहाँ खोदा रहे तुमने, तो बोले यहाँ 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 यहाँ, जहां जहां खोदे थे सब जगह खोदवा दिया मैंने वापस। खोद के देखा तो एक में मेरा चप्पल और पाँव का वो घोड़ा वोड़ा बांध के, मैं बोला हुआ। फिर मैंने एक बंदे को फोन किया, वो बोलता है प्रभु जी ये कंट्रोल के लिए होते, अच्छा लोग कंट्रोल चाहते, तो ये एविल स्पिरिट्स, फिर ये एविल स्पिरिट्स का यूज होता है। द गुड एंड एविल स्टार्स, जो स्टार्स है ना उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। द गॉब्लिन्स, गॉब्लिन्स में मेरे को लगता है वो होता है जिनको हाथ पाँव नहीं होता और सिर्फ सूक्ष्म शरीर होते हैं, वैसा वैसे दिखाते ना ऐसा वाला भूत वाला करके जाता है, तो गॉब्लिन बोलते हैं। देखो इस सृष्टि में क्या क्या है, अगर मनुष्य योनि ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो कहाँ कहाँ भटकना पड़ सकता है, हॉबगॉब्लिन बोलते हैं। द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जो प्राणी है जंगल में, द बर्ड्स पंछी, द हाउस होल्ड एनिमल्स जो पेट्स है, यानी बिल्ली आपका कुत्ता घोड़ा गाय सब हाउस होल्ड जो घर में रख सकते हैं, भैंस बकरी, द रेप्टाइल्स रेंगने वाले प्राणी, द माउंटेन्स पहाड़, द मूविंग एंड स्टैंडिंग लिविंग एंटिटीज, चर और अचर यानी चलने वाले जीव और सीधा पेड़ की तरह ये सब खड़े कभी नहीं हिलने वाले, कभी चल नहीं सकते सर। द लिविंग एंटिटीज बॉर्न फ्रॉम एम्ब्रियोज, गर्भ में जन्म लेने वाले, कुछ अंडे से लेने वाले हैं, अंडे वाले, कुछ पसीने से, खटमल पसीने से आते हैं, एंड कुछ सम फ्रॉम सीड्स, कुछ बीज से आते हैं, एंड ऑल अदर्स और बाकी लोग सब लोग, वेदर दे बी इन वॉटर, कुछ जमीन वाले, कोई पानी वाले, कोई जमीन वाले, कोई आकाश वाले, all of them according in happiness and in distress or in mixed happiness and distress, koi sukh mein koi dukh mein koi dono mein, all of them according to their past deeds are created by the supreme lord, ha apne apne pichle karmo se phir ye aise manifest ho jate hain aur kaam chalu ho jata hai, to ye yahan pe kaha gaya hai aur purport mein Prabhupada ji bolte hain 14वें अध्याय का चौथा श्लोक लेते हैं। पहले हमने चार का 14 देखा था, इस बार 14 का 4 देखिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धया संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदापिता, यदि सर्वयोनिषु कौन्तेय, जितने भी ये योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, मूर्धया संभवन्ति, मेरे मुझसे संभव हुआ है, दिस बिकॉज ऑफ मी, तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रदापिता, मैं इनका पिता हूं, मैं इनका फादर हूं, ये भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो ये विसर्ग का क्रिएशन हमने अभी देखा, तो कल हम लोग और भी विसर्ग में तीन गुणों का कैसा प्रभाव होता है ये कल देखेंगे, ठीक है। तो आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस रेणु माता। हरे कृष्ण मुरली, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी किसी ने मतलब मंदिर में कोई है उन्होंने ऐसा बोला था कि भगवान को जैसे जानना और मानना, तो मान लेना चाहिए, जानने में टाइम ज्यादा जाता है, जैसे तत्व से जानने में टाइम ज्यादा जाता है, जैसा लोग बोलते हैं वरिष्ठ वैसा कॉपी कर लेना चाहिए। लेकिन फिर मुझे वो चीज समझ में नहीं आती, कोई कोई चीज समझ में आती है कि मान लेना, कोई कोई चीज में लगता है कि डीप में जाके स्टडी करके एक्सपीरियंस करके उसको लेना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो क्या चीज सही है, जानना कि मानना प्रभु जी? देखो ऐसा है, कुछ लोग बहुत कम दिमाग के होते हैं, उनको ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई होता नहीं और ये सब टेक्निकल समझता नहीं ज्यादा, या वो इमेजिन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, जैसे ये हो गया वैसा विराट हो गया ऐसा हो गया, तो उस समय में इतना तो मालूम होना चाहिए कि प्रभु से भक्ति का संबंध बनाना है, तो नाम जप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, वैष्णव सेवा, नाम रुचि और जीव दया, ये तीन कामों में लग जाना चाहिए, तो आपको वही फल मिलेगा जो समझ के मिलेगा। और समझ भी गया और आपने नाम जप वैष्णव सेवा और जीव दया नहीं किया तो क्या फायदा, एक्सट्रीम है दोनों। अब इधर आप कहाँ आते हैं, आपको देखना है कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी बुद्धि कितनी विकसित है। महाप्रभु बोलते थे
इंग्लिश में प्रभुपाद बोलते हैं, फिलोसॉफी फॉर क्लासेस एंड हरिनाम फॉर मासेस। हरिनाम ने सबने करना ही है, लेकिन मासेस में हरिनाम दो, वो लोग भी कीर्तन में प्रेम में नाचता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे कीर्तन। अब उसमें उसको फिलॉसफी मारने की क्या जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चैतन्य महाप्रभु एक और चीज बोलते थे, सिद्धांत बोलिया चित्त न कर आलस। ये है मेरे जीव, सिद्धांत को समझने में आलस मत करो, नहीं तो क्या होगा, एक गलत चीज होगी। क्या होता मैं बताता हूं, धीरे 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 लोग भगवान के साथ सहज हो जाते, उनका स्थान नहीं समझते। जैसे मैंने बोला ना, कल एक डेप्यूटी कलेक्टर माता जी आ गई, अब वो आई थी तो नॉर्मल ड्रेस में, जैसा जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसा नहीं आई थी, वो नॉर्मल में आई थी अपना कार, उसको पता चला उसका गांव यहाँ था, बोले किसी ने बताया अच्छा गुरुकुल मंदिर है दर्शन करेंगे तो आ गई। अब उसको नॉर्मल हमारी ड्यूटी भी नहीं पहचान पाए, वो भी कुछ बोली नहीं, जब आई तो मेरे को इतना ही बोली कि हेड को मिले, वो आई को मुझे भी नहीं पता चला, तो बोले मैं डेप्यूटी कलेक्टर तो मैं खड़ा हो गया, हालांकि मुझे खड़ा होने की जरूरत नहीं साधु को, लेकिन क्योंकि मैं गुरुकुल भी चला रहा था, एक ऐसा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो रिस्पेक्ट है कुछ पे, तो उसका समाज में दायित्व है, तो वो भी खड़ी होगी, उसको लगा कि गुरु जी खड़े हो और बच्चे भी खड़े हो गए। तो अब पॉइंट क्या है कि अगर हम उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे तो क्या क्या, क्या बिगड़ने वाला है भाई, खाना तो कल भी पचने वाला है, नहीं, लेकिन उससे धीरे धीरे कैजुअल हो जाए, कैजुअल होंगे तो उस व्यक्ति से जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलना चाहिए, अनुभव मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो भगवान के साथ अगर हम कैजुअल होने लगेंगे, यही हुआ ना भक्ति विनोद ठाकुर, इन लोग का तो विरोध किए, आउल बाउल संप्रदाय आ गया था, ये लोग कृष्ण को मानते हैं, परम पुरुष मानते हैं, पर धीरे धीरे मैं गोपी हूं मेरे कृष्ण, इसलिए आप कभी कभी देखो वो लोग भगवान को जाके चुम्मा ले लेते हैं मूर्ति को, गलत है। श्री विग्रह जो है उनका सेवा करने का तरीका अलग है, आप चुम्मा चाटी ये सब नहीं कर सकते, ये सब शूद्र लक्षण है, आप अपना थूक लगा रहे हो भगवान को, आपका आपको नहा के आना चाहिए, पवित्र स्थान में जाके पूजा करना चाहिए, शुच उद्देश्य जो छठे अध्याय में का है, और आप वहां मतलब ऐसे कैसे भी आ जाओगे कर लोगे, फिर तो आपका उतना प्रेम होना चाहिए, जो है नहीं फिर आप नाटक करोगे, इसलिए वहां पे सिद्धांत और शास्त्रों का मत बहुत जरूरी है। धीरे धीरे क्या होगा, वो पहले भगवान को भगवान समझेगा, अपने आप को भक्त, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को गोपी समझने लगेगा, फिर वो सोचने लगेगा कि मैं ही महान भक्त हूँ, और भगवान को ऐसा मतलब ऐसे सब काम करने लगे, गोदी वोदी पे लेना, चुम्मा लेना, ये इसको बोलते सहजिया। कुछ साधक तो साड़ी पहन लेते हैं कि हे सखी गे जैसा, ये कहां से आ गया, हमारे कौन से सन्यासी ऐसा करते हैं, ये सब अंदर आने लगता है, सहजिया भाव आने लगता है। प्रभुपाद कहीं भी सहजिया भाव को आने नहीं दिए, स्ट्रेट सिद्धांत, भगवान को हर एंगल से आपको देखना होगा, उनके शक्ति एंगल से, उनके प्रेम वाले एंगल से, भगवान हरिनाम आपको दिया आपके उद्धार के लिए, मतलब वो पागल थोड़ी है, वो साधारण व्यक्ति थोड़ी है, हमको अर्चे विष्णु शीला दी, भगवान विष्णु का अर्च विग्रह को पत्थर नहीं समझना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है, उनको छोड़ने के बाद मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने आप को कृष्ण समझते हैं और उनके आए हुए भक्तों को राधा रानी समझने लगते हैं, और उनको बोलते हैं अरे मैं तो आपका गो कन्हैया यहाँ हूँ, तू कहाँ से कन्हैया हो गया भैया, तो सेंटी हो गया ना, फिलोसफी क्लियर नहीं है, उसके सेंटी में बैठ गया कि मैं कन्हैया हूँ, तो अब वो अभद्र काम करने लगेगा, तो फिर ये चालू वहीं से होता है और एंड वहां हो जाता है। इसलिए फिलोसफी नहीं भी समझे तो बैठ के बैठे रहो, भगवान को बोलो भगवान अपने खोपड़ी के ऊपर जा रहा है लेकिन मैं आपको मानता हूँ, लेकिन वो प्रोसेस का आप अनादर नहीं कर सकते, बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप ही का बिगड़ेगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस सुश्रिता माता,
हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी, जैसे आपने अभी ब्लैक मैजिक वाला टॉपिक निकाला, थोड़ा सा क्यूरियस थी कि ये हमारा प्रारब्ध होगा ना जब हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करता है, तो हमें ऐसे स्वीकार करना चाहिए और क्या और सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए प्रभु के ऊपर? देखो ऐसा है कि जो जीवन में सुख और दुख लिखा है वो बदलता नहीं, परंतु आपका अस्तित्व किस रूप में होना चाहिए ये आपके हाथ में। मतलब समझो, अगर भूत आप में चढ़ गया है तो क्या होगा, आप बैठे खा रहे, लोग आपको फ्री में खिला रहे, क्योंकि आपको माले बाहर आएगा तो मारेगा सबको, तो आपको आराम मिल रहा है, तो ऐसा देखा गया तो सुख है। लेकिन दुख इस बात का है कि आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते, भूत हिला रहे वैसे ही, लेकिन आपको उसे निकलना चाहिए, क्योंकि आपको जितना हो सके उतना प्योर फॉर्म में अपने आपको ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, ठीक है? तो भूत तो हंटेड फॉर्म है ना, तो उसको हटा दे दो, तो कुछ नहीं, मेरे पीछे एक मंत्र बोलो, बोलते ही भाग जाते हो। मेरे पीछे बोलो ओ, दन्तं सर्वतोमुखं दन्तं सर्वतोमुखं बस इतना मंत्र बोल दो, अरे पागल आदमी है क्या? हाँ घुस गए थे। प्रभु जी एक और, प्रभु जी हमेशा घोस्ट ही हमारे अंदर घुसता है, ऐसा नहीं होता ना? कोई पेन देता है, कोई फैमिली में मतलब झगड़ा हो ऐसा कुछ तो करते हैं ना, मतलब हाँ, वो कैसा रहता है, वो बाधा डाल सकते, बहुत सारे शक्ति हैं। एक होता है बाधा, उसको भी प्रारब्ध समझ के स्वीकार करना चाहिए ना? सिर्फ आपको जानकारी चाहिए क्या और ज्यादा? स्टूडेंट को 5 मिनट के लिए बुलाता हूँ, वो लाइव आके बता देगा आपको, वैसे वो बड़बड़ बहुत करेगा लेकिन मैं उसको 5 ही मिनट दूंगा। वो आपको सारा बता देगा क्या क्या होता है, ये 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 होता है। यानी पुरुष वो जाके स्पेशल में करता है, वो सब भी चैंटिंग भी करता है, फिर वो भी सिद्धि है उसके पास, वो भक्तों के काम आता है। बड़ा तुरा लिंक देतो ना माझ्या क्लासचा, तो लिंकला लॉग इन कर जिथे आहेस तिथं, आणि आमचे भक्त विचारतायत एक बाधा विधा काय असते, काय काय होतं, थोडं सांग, चल 5 मिनिट सांग, 5 मिनिटात सांग, जास्त नको भाषण देऊ नको, जाऊ दे ना तू कुठेतरी बस साईडला कुठेतरी कोपऱ्यात, लिंक लॉग इन कर, व्हिडिओ ऑन कर, काहीतरी 5 मिनिट बोल, 5 मिनिटात कॉल करू नको, लॉग इन कर, ठीक है? वो आ जाएगा, वो किधर तो काम में है, उसको साइड में आएगा 5 मिनट में और आपको बता देगा, सब बता देगा, बाधा क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब कैसे, वो ये पिन मार के ये कर देते, वो कर देते, लेकिन आपको बताऊं ये सब वो खुद बताएगा आपको। वो एक्चुअली क्या करता है, ये सब निकालता है लोगों का अच्छे के लिए, उसकी हालत खराब होती है तो मेरे आगे पांव छू लेते, बोले प्रभु जी उसको हटाने के लिए सत्व चाहिए, तो एनीवे इसके पास वो सिद्धि इसको दिखाई देता है, इसको इसका बचपन से उसके पिताजी को सिद्धि था, उसके पिताजी मरने से पहले सिद्धि इसको देता है, पता देगा आपको। चलिए तब तक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यस सुप्रभा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये आपने भी जो बोला ना उससे रिलेटेड, प्रभु जी हरे कृष्णा चैनल में ना एक प्रभु जी आए थे, तो उन्होंने ये बताया था कि उनके ही किसी फैमिली मेंबर्स ने पैसे के लिए, मतलब जो भी है प्रॉपर्टी का होगा, तो उनपे वो जादू टोना किया था, लेकिन और जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो वो जब एक तांत्रिक के पास गए तो वो तांत्रिक उनको बोले कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं ना, तो वो जो अफेक्ट हो रहा है वो उनपे उतना 100% नहीं हो रहा है,
तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने बेनिफिट वहां बताया कि वो मंत्र ले रहा है इसलिए जिंदा है अभी तक, नहीं तो अब तक रहता भी नहीं था। लेकिन बाद में उनको बोला गया कि आपको इसका एंटीडोट, मतलब जो आप अभी बताए ना कि वो ठीक करते हैं जैसा, वो करना लेकिन आपके लिए जरूरी है, यही बताना था प्रभु जी। नहीं नहीं वो करना पड़ता है ना, जैसे आप बीमार हो तो हरिनाम तो अपना काम करेगा, हरिनाम तो आपके उद्धार के लिए, लेकिन आपको जाके डॉक्टर में तो दवाई लेना पड़ेगा ना, वो कुछ तो बताएगा ना, भाई ये पाला ये खाओ, ये कुछ तो खाओ। उसको मालूम है कि हम खुद खास रहे थे, मुझे पता नहीं हो क्या रहा है। वो गया और डॉक्टर ने ठाक ठाक कुछ किया, इधर ठाक ठाक करो, तजीब देखा, वो लिख दिया हो गया ठीक। अब मैं 5 दिन से परेशान था। तो ये सब क्या है कि हर एक चीज का दूसरा बंदा होता है, तो वो भगवान ने उसको ज्ञान दिया होता है ना, तो उससे ले लो, समझ लो, सिंपल बात। प्रभु जी आपके लिए हम बहुत एकदम डर जाते हैं कि प्रभु जी आपके साथ कुछ कुछ होता रहता है, तो प्लीज आप थोड़ा सा केयरफुल रहा करिए। मेरे, मेरे मेरे बचाव के लिए ना मेरे पास कम से कम 25 ऐसे लोग हैं, जो यही जो बंदा है ना, मेरे को एक बार एक बंदे ने किया था, मेरे को किया था कि मैं 11 दिन में मर जाऊं, इसलिए किसने उसको किया था, और इसको वो दिखता है जिसने मेरे ऊपर एक रखा है, कुछ बताए तो बता देता है। ये भागते हुए आया था और एक चीज दिया मेरे को, बोला प्रभु जी आप 11 दिन इसको यूज करिए और बाहर नहीं निकलिए करके। मैं पहली बार इसके बोलने पे निकला और एक ही जगह मैंने बैठ के सेवा किया था। 11वें दिन बोला, 12वें दिन जिसने किया है ना, वो प्रभु गिड़गिड़ा के आपके पाँव में गिरे। यह बहुत कमीन आदमी है, आपका दुष्ट है, था एक है अभी भी जिंदा हो वो। ये 12वां दिन हुआ नहीं, जिंदगी में कभी उसका फोन आ गया, मुझे बोलता है प्रभु जी हमको बहुत बुरा लग रहा है हमने ऐसा किया, खुद ही बोल रहा है। ये बोला प्रभु जी अब मैं उसको लॉक भी कर देता हूँ। मैंने बोला कर दे भाई, आगे भी जाके कुछ करेगा। तो कैसे रहता प्रभु है भी? पर एक यार प्रभु जी देखिए, मेरे साथ कुछ होना हो, देखिए मेरे ना, देखिए ऑब्वियसली आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो एक फीलिंग हमेशा टीचर के लिए रहना चाहिए, और मुझे भी आप सब के लिए है, लेकिन ना ऐसा इतना इमोशनल नहीं रहना है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो सब प्रभुपाद जी के ग्रंथों में लिखा है, हमारे आचार्यों के कमेंट्री में है। अपने घर पे लाइब्रेरी रखिए, प्रभुपाद जी को ही अपने घर पे रखिए, ये प्रभुपाद जी को रखने के बराबर, इसको रखिए, गुरु के प्रति निष्ठा रखिए, क्योंकि किस जीव के साथ क्या हादसा होगा ये कोई नहीं जानता, कल मेरे साथ क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। तो ऑब्वियसली भावनाएं होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं भी होनी चाहिए, अच्छा काम हो रहा है तो उसमें आपका सद्भावना भी होना चाहिए। अभी तो यहाँ मैंने झारखंड में इतना प्रचार कर दिया है कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज परेशान है मुझसे, अब मुझे गनमैन रखने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे कि गाड़ी में पलटा भी नहीं कर दे वो ठीक है। एनिमीज तो बहुत है, एनिमी आप नहीं पालोगे तो साइड से कोई एनिमी हो जाते हैं, वो तो चलते रहते हैं, एंजॉय करना। प्रभु जी अभी आपके तो मतलब हरे कृष्णा चैनल वालों ने बहुत लेनी चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि आप इतने सारे स्टोरी बताएंगे तो आपके तो एपिसोड पे एपिसोड निकलेंगे कि आपके साथ क्या क्या मतलब हरे हुए। चैनल है ना, जब उसके 2000 सब्सक्राइबर थे, 2000-4000, तब मैं जाके मेरे वीडियोस देता था, उन्होंने उसको अपलोड किया, इनक्रेडिबल इंडिया फाइनल ड्रामा जैसे लेक्चर, उसको 1.5-2 लाख तभी व्यूज थे, तभी। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 2013-14 की बात कर, जब यूट्यूब में लोग आ रहे थे और ये लोग आ रहे थे, उसके बाद इन्होंने मस्त वो यूज कर लिया, अब चैनल बन गया, अबुड़ा दो होगा दादा टप्पा क्लीन बोल्ड, मेरे वीडियोस हाइड करके रख दिए, तो उनको क्या है मेरे वीडियोस में स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी होती है ना, तो वो लोग डरते हैं। बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, आप अकेले नहीं है प्रभु जी जो आपको उन लोगों ने इस तरह से किया, हमारा तो नुकसान हो गया ना प्रभु जी, जैसे हमको जो नॉलेज मिलना चाहिए वो हम रह गए उससे। चलते है सबका टाइम आएगा, अपने को क्या मतलब है, मेरे को देखो, मेरे आपको बता रहा हूँ, मैं हरे कृष्ण टीवी में नहीं गया फेमस होने के लिए। मैं क्लास दे रहा था मीरा रोड में, यूथ फेस्टिवल था, तो मीरा रोड के जो ब्रह्मचारी थे, देखो क्लास अट्रैक्ट क्लास वाली बात है, मीरा रोड के ब्रह्मचारी थे, मेरे साथ भक्ति शास्त्री कर रहे थे वृंदावन में, जब मैं वृंदावन में बर्तन मांज रहा था, तो सुबह के टाइम में मेरे गुरु जी से, मेरे गुरुदेव से पूछा, तो उन्होंने बोला कर ले भक्ति शास्त्री, तो मेरे एक दोस्त ने पैसा भर दिया था, मैं कर रहा था, मेरे पास दो ही धोती कुर्ता थे, बर्तन मांज मांज के इधर काले हो गए थे, और उसका लेने का भी पैसा नहीं था, तो मेरा एक दोस्त मेरे को साइकिल दिया, बोले रिक्शा का पैसा बचेगा, साइकिल से इधर उधर जाना वृंदावन में, और उसने बुक्स भी दे दिए थे, और मैं रात को 2 बजे तक नोट्स बनाता था, फिर 4 बजे उठ के आरती करता था, रात को 2 ही घंटा सोता था, 2 या 3 घंटा, ऐसे मेहनत करके आता है एक समय। एनीवेज वो जो मीरा रोड के ब्रह्मचारी थे सब, तो उसमें कुछ मेरे साथ इंग्लिश में थे, कुछ हिंदी में थे,
वो अच्छे डिवोटीज, आज भी वो लोग उदयपुर और यहाँ वहाँ प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छे डिवोटी है। तो उन्होंने देखा कि वो जो ईशोपनिषद अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे को टॉप मार्क्स आए थे आज भी, मतलब उन्होंने बोला अरे ये शाणा है, ये बहुत दिमाग वाला है। तो उन्होंने बोला अगली बार पेपर आएगा तो हम तुम्हारे यहाँ पढ़ने आएंगे। मतलब मैंने सबको पढ़ाया कि ये क्वेश्चन है, ये है, भगवान ये बोल रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन है। वो उन्होंने क्या किया, उनको भी 90-90 मार्क्स जैसे आने लगे। माता जी बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि जनरली 4-5 लोगों को 90 मिलते हैं, बाकी लोग 70 भी रहते हैं, इन्हें लोगों को 90-90 कैसे मिल रहे हैं। तो सबने बोला कि हम यहाँ पढ़ने जाते हैं तो ये प्रभु जी बातें बताते। तो वो जो ब्रह्मचार्य थे उनको ग्रेटिट्यूड फील हुआ कि अरे प्रभु जी हमारे लिए इतना किए। तो उन्होंने अपने यूथ फेस्टिवल में मुझे लेक्चर के लिए बोला, तो मेरा अपना मैंने दिया, तो उसमें हंसे, यंग जनरेशन था तो हंसी मजाक से सब फिलोसफी पिला दिया। तो वो उधर क्या हुआ कि फिर अगले साल का जो फेस्टिवल था उसमें वो भक्तिदान हॉस्पिटल में एक माता जी थी, वो बोली कि नहीं हम लोग रिकॉर्ड करें। तो मैंने बोला रिकॉर्ड कर लो, उसमें गाली वाली भी देता हूँ मैं, वो हटा देना। तो वो हटा के उन्होंने यूट्यूब पे डाल दी, वो डिजायर पे डाली, उनको बहुत व्यूज गया, फिर उनका सब्सक्राइबर भी बढ़ गया। फिर उन्होंने मेरा मराठी गीता था वो भी रिकॉर्ड किया। तो ठीक है, तो मेरा क्या है कि देखिए मैं किसी के पीछे लाचार होके नहीं जाता, दे दो कटोरा। कल भी मैडम डिप्टी कलेक्टर ये बोल रही थी कि जनरली ऐसे बच्चों के लिए सरकार एक बच्चे के पीछे 2000 देती है। तो मैंने बोला मैं सरकार के पास नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार के पास किधर जाऊंगा। बोला मैं सिर्फ स्कूल रजिस्टर करने गया तो 10 लाख लगेगा। मैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास अगला दिन का खाने का कहाँ से आता है मैं नहीं जानता। 10 लाख आप मांग लोगे, 15 लाख मांग लोगे, मैं कहाँ से लाके दूंगा। मैडम बोली हाँ ये तो है, बोले यही है। बोला वो बात अलग है कि मैं पॉलिटिकल प्रेशर डाल के मेरा काम ऐसी करवा दूंगा दादागिरी करके, लेकिन वो सबका समय नहीं मेरे पास। तो होता क्या ना, मैं लाचार की तरह नहीं जाता। मैं उनको भी मैडम को ये बोला कि मेरे बच्चों के सामने अगर मैं लाचार हो गया तो गुरु किस चीज। बोला लाचार नहीं, मेरे को भगवान में भरोसा, जो समय पे सब कुछ होगा, जब समय पे उठना होगा भगवान उठेंगे, समय पे गिराना होगा भगवान गाड़ देंगे, भगवान के हाथ में। उनको लगेगा गदाधर को इस्तेमाल करके प्रचार करवा लो, वो करवा लेंगे। उनको लगेगा यूजलेस फेलो है, इसको सुला दो तो वो अपना सुला देंगे। बाकी तू बोले गदाधर तू प्रार्थना कर, हम मैं तेरे को उठा लूंगा पर अभी तू साइड हो जा। तो जब भगवान आगे रखना चाहते तो रखेंगे। उन्होंने ही मेरे को कौन सा ऑडियंस था, वो तो डिजायरी वालों का ही ऑडियंस मिला मेरे को। फिर बाद में क्या था, वो ऑडियंस मिला लेकिन वैसे मुझे कुछ कैपिटलाइज हुआ नहीं। इनफैक्ट उसकी वजह से 4 दुश्मन बढ़ गए, उन्होंने ब्लॉक करवा दी कि भाई इसको इतना फेमस मत करो, उड़ा दिया वो। अच्छा उन्होंने गीता के क्लासेस नहीं उड़ाए क्योंकि मराठी में और किसी ने गीता दिया नहीं, नहीं तो किसी और ने मराठी दे दिया तो वो भी उड़ा देंगे। वो कोई दिक्कत नहीं रहता भी, तो मुझे नहीं पता कौन देखता नहीं देखता, लेकिन बहुत लोग सुन के भक्त बनते हैं। इतना वो लालची या डिपेंडेंट या वो नहीं बनना है मुझे। मैं आत्मसम्मानी आदमी, मैं किसी बड़े आदमी है तो सलामी मार के झुक के मैं वो तलवे नहीं चाटता ही नहीं, मैं मेरे को जमता ही नहीं, बेसिकली मेरे नेचर में नहीं वो है ही नहीं। क्या करूँ, वो झुक वैसा कि झुकता हूँ मैं, लेकिन फालतू का नहीं झुक सकता, लाचारी वाला नहीं झुकता, रिस्पेक्ट में झुक जाता हूँ। बड़े हैं, कोई ज्ञानी है, कोई सन्माननीय है। वो लेडी थी, वो मुझसे यंग ही थी, तो मैं खड़ा हो गया बिकॉज वो कलेक्टर पोस्ट में कुछ भी है, तो मैं उसके एरिया में पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा था। ऑटो रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा, वो भी खुश हो गया, मतलब टीचर रिस्पेक्टफुल है, बच्चे रिस्पेक्टफुल, उसी से उसको क्लियर हो गया कि यहाँ सब ठीक चल रहा है, उसको कोई अब ऑडिटर ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि आपको गुरु को कभी लाचार नहीं, एक ऐसे हजारों मीडिया सेंटर्स हम बना सकते। वैसे मेरा एक स्टूडेंट अभी एक मीडिया सेंटर बनाए हुआ है, मेरे बहुत सारे रील्स भी उसने बनाए हैं, लेकिन वो मेरे बुक के रील्स है, तो मेरा बुक प्रिंट होने गया है बैच, तो उसको हम लोग अमेजोन पे रखेंगे 1 रुपया, ओनली फॉर 1 रुपया, वो 0 रुपीज रख नहीं सकते ना, इसलिए 1 रुपया क्लिक करो और अपने घर पे बुला लो, उसके रील्स आएंगे। तो मैं मेरे प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी ये सबको पढ़ रहा, ये मेरे को इनका जरूरत है नहीं। हालांकि उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे कॉल किया था कि प्रभु जी हम लोग को ऊपर से प्रेशर आया है, तो हम आपका हमें बुरा मत मानना, ये वीडियोस आपको हाइड करने पड़ेंगे, हम डिलीट नहीं कर रहे। मैं बोला कोई बात नहीं, हाइड कर लो, कोई इशू नहीं। देखो अगर वैष्णवों को मेरे वजह से प्रॉब्लम है तो देन मुझे हटना चाहिए। मैंने तो बोल दिया डिलीट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बुरा क्यों लगा था, मैंने कहीं बोला, आपने रिकॉर्ड किया, कहीं डाला, उसमें 10 लोगों का बेनिफिट हुआ, जिसको नहीं हुआ वो नहीं देखा, बाकी खत्म हो गया, वो हट जाएगा उसका खत्म। और वो सिद्धांत दुनिया को नहीं समझा, तो मैं जो पढ़ भी रहा हूँ मैं आपको समझता है बात अलग है, लेकिन एक्चुअली मैं खुद के लिए पढ़ता हूँ। मैं मुझे तो जानकारी हो गया ना भाई, दुनिया को समझे ना समझे मुझे क्लियर हो गया क्रिएशन क्या है, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, नारद मुनि क्या है, मेरे में ग्रेविटी बढ़ गया, तो अपना फायदा।
तो ये सब है। मैं एक्चुअली वो नहीं करता, जैसा मेरे से ज्यादा होता नहीं, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं मेहनत, पर ज्यादा नहीं होते मेरे से। वो वीडियो भी बनाता हूँ ना मैं, तो लोग बोलता भाई सिंपल कैमरा लो, अपना डायरेक्ट रिकॉर्ड करो, उसको बाद में जो तामझाम करने करो। वो जो फोटो खींचते कभी कभी लोग, प्रभु जी आप ऐसा खड़ा हो जाओ, बोला अरे वो कैसा लगता है नहीं नहीं प्रभु जी वो आपके बर्थडे के दिन नहीं मिलता फिर फोटो, बोला ठीक है एक ले ले उसी को इस साल प्रमोट कर दो। तो ऐसा रहता, इसमें ज्यादा एक्चुअल सेटिस्फेक्शन जो है ना वो भक्ति में। भक्ति क्या है, जब कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं ना, वो एक आनंद है, वो अंदरूनी आनंद है। वो आनंद आप फोटो मीडिया या मिलियंस ऑफ व्यूअर्स इसमें नहीं है, नहीं है। वो एक्चुअली आनंद उस आनंद में ही है, उसको कोई कैप्चर कर ले कर ले। अभी जैसे वो कौन सा वो वीडियो का चला गया अन्नपूर्णा माता बना, वो तो मैंने कैजुअली क्लास में बोल दिया, किसी ने उतना ही काट दिया, वो कितने वो मिलियन में गया था पता था। बाद में उसको भी फोन आ गया तो उड़ा दिया किसी ने तो कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एंजॉय करो लाइफ को, ना लोन नहीं लेना है हमको, हमारा जीवन पराधीन नहीं बनाना है। वो तुलसीदास जी कहते ना, क्या कौन पराधीनो सुख नाही, क्या है वो, हाँ पराधीन जो हो जाए व्यक्ति तो ऐसी वो दुख का भागी है, है ना। रतन जी बताएं क्या जी, पराधीन सपने सुख नाही, हाँ वो पराधीन जो है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलने वाला है। तो पराधीन व्यक्ति को हमें पराधीन नहीं होना चाहिए जीवन, हाँ हमको घमंडी भी नहीं होना, मतलब ये पराधीन नहीं होना मतलब ये नहीं कि बहुत घमंडी जीव, नहीं सम्मान से जीव। आप भगवान के अंश, आपको लाचारी किस चीज, आपको खिलाने वाले भगवान, दो वक्त का रोटी भगवान देंगे। मुझे एक प्रेसिडेंट थे, नाम नहीं लूंगा, तो मैंने मेरा बुक लिख रहा था तो उनका विरोध था, वो बोले तो उन्होंने कुछ आरोप लगाया था फालतू का। मैंने बोला प्रभु देखिए आप आरोप नहीं लगा, आपको मैंने बुक लिखा है, परेशानी है, ये बहुत पहले की बात है 2013-12 की बात है। मैंने बोला कि आपको परेशानी है तो मैं चाहे तो किसी और मंदिर में जाके सेवा दे देता हूँ, कहीं और जाके रह लेता हूँ, पर आप आपको परेशानी तो मैं आपको परेशानी देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी बच्चा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, मैं नहीं जानता कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन आप आरोप नहीं लगाइए, झूठा नहीं बोलिए, आप जो सच है वो लगाइए, जो मैंने किया है वो बोलिए, मैंने बुक लिखा, लेकिन ये वाला आरोप नहीं लगे फालतू रखो। तो बोले वो ये बोले कि तू किसी भी मंदिर में जा, मैं तुझे उखाड़ के फेंक दूंगा। और वो पावरफुल आज भी है, आज भी वो बड़े पोस्ट पे हैं, वो तभी भी बड़े पोस्ट पे थे, उन्होंने मेरे 6 प्रोजेक्ट भी उड़ा दिए, मैं जो जो प्रोजेक्ट किया है, ये गुरुकुल भी उड़ाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं उड़ा, ये प्रभु महाप्रभु की इच्छा से बचा। मैंने 6 के 6 बार उनको कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, क्या कर सकते हैं, वो बड़े पोस्ट पे है, असाधु आदमी है, अब जाके मारा पीटी भी नहीं कर सकते, वो अलग चीज है। तो अब क्या है, वो प्रोजेक्ट उड़ा दे रहा हूँ, पीछे से काम है, फोन लगा दिया, उसको मदद मत करो, ये करो वो करो कुछ भी, उसके पेपर के खिलाफ कुछ लिख दो, लोगों में बदनाम कर दो, उसके खिलाफ एक इमेज बना दो, तो ये चलते रहते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है ना कि मैं भी सोचता हूँ कि इसका मतलब कितना विरोध किया जाए, मतलब समुन्दर के सामने में क्या टाइम पास करूँ, उसे अच्छा इससे इतनी इससे ज्यादा ताकत में भगवान के चिंतन में लगा दूंगा तो कम से कम मेरा उद्धार तो हो जाएगा। हो सकता है पिछले जन्म में मैंने बहुत लोगों की निंदा की हो तो वो एक एक करके सब पीछे आ रहा है, तो अपने कर्मों को भोगना भी तो पड़ेगा। तो मैं यही सोचता हूँ कि हाँ भाई तू भी दे दे, भाई तू भी दो गाली दे दे, खत्म कर मेरा कोटा। उन्होंने यही बोला, तू जहां भी जाएगा तुझे उखाड़ दूंगा, तो इंग्लिश में बोला तो आई अपरूट यू, I'll uproot your existence, I'll keep you nowhere, ऐसा बोला। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु जी जब मैं पैदा हुआ था ना तो आप थाली लेके नहीं खड़े थे, वो नारायण भगवान नारायण ने मुझे बताया कि कहाँ खाना मिले, तो ऑल द बेस्ट, आप उखाड़ के दिखाओ, मैं ये प्रूव करूंगा कि भगवान नारायण सबकी रक्षा करते हैं, और तुम उखाड़ने में लग जाओ। उखाड़ा, 6 जगह से उखाड़ा, पावर पोजीशन क्या यूज नहीं किया, आरोप झूठ आरोप लगाने दो, एंजॉय, वो भी आनंद लेना चाहिए। देखिए शुद्ध भक्ति करने का मौका कब मिले, जब परिस्थितियां विषम, आपके साथ परिस्थितियां चल रही तो उसमें क्या मतलब फायदा है, आपके परिस्थिति विषम हो उधर भी अगर आप भगवान के चिंतन और सेवा में लगे हैं
तो यही आपकी परीक्षा है, यही अहेतु की भक्ति का मौका है, ये अहेतु की भक्ति का यही एक मौका है। अब जैसे अभी वर्ल्ड कप जीता इंडिया, को 30 बॉल में 30 चाहिए था, ये कोई मतलब T20 में 30 बॉल में 30, वो भी क्लासन जैसा पागल उधर खड़ा है, वो तो बॉल कहां मार देते तो बॉलर को भी नहीं पता चलता। लेकिन जब समय आएगा तो भगवान सब देंगे, इतना टेंशन में थे लोग सोच गए कि आज का वर्ल्ड कप गया, हाँ लेकिन वो कहां पांड्या ने मारा, क्लासन आउट हुआ, वो बुमराह आया, प्रेशर डाला, वो प्रेशर में वो लोग कोलैप्स कर गए। तो पॉइंट क्या है कि समय और बुद्धि भी देंगे भगवान। और मैं अपना लाइफ देखता हूँ, मुझे कहाँ लॉस हुआ है, वो बुक लिखा मेरे को कमाना था ही नहीं, वो बुक मैंने लिखा था ताकि जाकिर नाइक जैसे जो पागल बोलते हो कि मुंह पे मारने के लिए, वो अब शांत हो गए, अब जाकिर नाइक खुद ही पक गया। मुझे वृंदावन में सेवा मिला, भक्ति शास्त्री करने मिला, हाँ प्रीचिंग करने मिला, गुरुकुल खोलने मिला, तो मेरा कहाँ लॉस है, भगवान तो मेरा रास्ता बना ही रहे, मैं झूठ मूठ का जाके उसके सामने क्यों सर फोड़ू। आखिरी में लेकिन जब गुरुकुल प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैंने उसके असिस्टेंट को फिर भी फोन करके बोल दिया कि देखो इसमें भी तुमने ट्राई किया, तो उनको बोल देना कि अगर यहाँ बर्बाद हुआ ना तो मैं तुमको हमेशा के लिए उखाड़ दूंगा। उसके बाद से बेचारा थोड़ा शांत हो गया आदमी। तो ये होता है, आदमी अपने आप को थोड़ा महान समझता है तो कभी प्राउड होके कर देता है, हो सकता है मेरे में भी कुछ गलतियां हैं तभी मुझे नहीं पता चली होंगी, पर ठीक है मेरे इंटेंशन में कोई खोट नहीं था, मेरे एक्सपीरियंस या मेरे बिहेवियर में होगा कुछ जो उनको बुरा लगा होगा, मैं भी अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन होगा तब तो कुछ एक हाथ से तारीफ थोड़ी पूरे हाथ से कुछ गलती होगा। लेकिन अपने आत्मसम्मान को झुका के आपके लाचारी में दिए हुए टुकड़ों पे मैं पोस्ट पोजिशन लेके गलत काम थोड़ी करूँ। एक ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया अजमेर का, अजमेर का बोला तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, जाओ ठीक है, मैं गया दो दिन, फिर बोलते सुनो वहा वो जो भक्तों का ग्रुप है ना उसको मंदिर से बाहर निकालो, अच्छे भक्त नहीं है। मैं बोला तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, अब अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा उनके साथ में रखना है नहीं रखना। तो ये क्या करते हैं, आप पोस्ट ले लो और हमारी तरह करो कठपुतली की तरह। तो डिजायट्री भी वही था, वो हरे कृष्णा टीवी, फिर वो भी लास्ट में उसी डिपार्टमेंट के अंदर है, मैं कुछ बोला नहीं, छोड़ दिया। तो अब मैं सारे प्रोजेक्ट्स अपने दम पे करता हूँ, भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान ने अब वो गवर्नर सर है वो इतने बड़े पोस्ट पे है, मतलब उनको मिलना भी, उनके मिलने के लिए भी 12-13 वेरिफिकेशन हो जाते हैं आदमी का, वो खुद हमको याद करते रहते। अभी भी वो उनको बिजी थे तो अभी आए तो बोलते हाउ इज स्वामी जी, उधर पूछ रहे हाउ इज गुरुकुल गोइंग, मुझे टेंशन आ रहा है इधर तो, कि जब पहले मैं चुपचाप कर रहा था गवर्नर लोग उस पर ध्यान दे रहे, डेप्यूटी कलेक्टर आके बैठ रहे, एमएलए एमपी जो हमारा काम है वो ध्यान दे रहे कि हो रहा है ना, वो ये भेजा था हो गया कि नहीं हुआ। तो अभी मैं मोहन भागवत जी से भी मिलने वाला हूँ अभी जुलाई में, तो उनके साथ मैं नया प्रोजेक्ट का लॉन्च करने वाला हूँ, वन गुरुकुल वन विलेज वन गुरुकुल, हर गांव में एक गुरु, तो कर रहे प्रयास, ये भी सक्सेस हो गए तो मुझे पड़ी है बाद में के जब तो चला। प्रभु जी आपकी लाइफ से हम लोग जो भी सीखते हैं, आपकी जो भी आप स्टोरी हमें बताते हैं ना, थोड़ा बहुत आपका लाइफ और प्रभुपाद का लाइफ सिमिलर लगता है। जैसे उनको भी जब बाहर जाना था फिर उनके गॉड ब्रदर्स उन्होंने हेल्प मांगी पर उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन अकेले प्रभुपाद ने इस्कॉन खड़ा किया। वैसे आप यहाँ पे जो भी कर रहे हो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, गुरुकुल बना रहे हो अपने दम पे, और प्रभु वो भी है कि आप कोई पैसे नहीं ले रहे हो, नहीं तो हम देखते हैं कि सब जगह बहुत पैसे रहते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी, कोई आसान बात नहीं है कि कोई कर सके। दंडवत प्रभु जी आपको, आपके जैसे हमको भी हिम्मत मिले। ये भी है ना, ये भी कुछ लोगों को पेट पे दर्द करता है कि मैं फ्री में ले पढ़ाता हूँ, जो 3 लाख रुपए सालाना लेते वो टेंशन में है कि भाई ये तो फ्री कर दिया। आपको मालूम है ना वो IBM था इस्कॉन भागवत महाविद्यालय, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, लोग सिर्फ 2 कैंटों के 10,000 रुपए लेते थे, 2 कैंटो पढ़ाएंगे वो भी फटाफट 10,000 लेते थे। तो जब उनको पता चला कि गदाधर पैसा नहीं लेता है तो अब उन्होंने वो 1 रुपए कर दिया फी, वो लोग भी सुधर गए, बोलते अरे गदाधर तेरे चक्कर में अब सब फ्री हो रहा है, करने दो एटलीस्ट विद्या को। तो मैंने बोला कल भी मैडम से भी बात कर रहा था, कलेक्टर मैडम से, कि बोला आप एजुकेशन को आप बिजनेस नहीं बना सकते,
एजुकेशन फ्री एंड फ्लुएंट होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये आपने कहाँ का टॉपिक कहाँ चला गया, वो आया ही नहीं ऑनलाइन अभी तक। और प्रभु जी वो आरक्षण वरक्षण भी निकल जाएगा इससे। तो देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, अभी वैसे अच्छा बुरा नहीं मानना, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, एक्चुअली एजुकेशन मेरे खून में, ब्राह्मण कुल से भी है और गुणों से भी, मतलब काम भी मैं वो कर रहा हूं, तो मुझे ना इसमें सेटिस्फेक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को क्षत्रिय से बड़ा मानता हूं या वैश्य से बड़ा मानता हूं, नहीं। वो व्यक्ति अपनी जगह स्मार्ट है। आज कल भी मेरा एक माता जी से बात हो रहा था, वो बोल रही थी प्रभु जी मैं अगर बिजनेस करूं तो मैं जैन कम्युनिटी से हूं, मेरे लिए 1,00,000 रुपए रात रात टर्न करना ना कोई बड़ा बात नहीं, मतलब मेरे पास अभी पैसा नहीं भी है तो मैं 10,000 रुपए भांडवल से 1 साल में 5,00,000 रुपया में घुमा के ला सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा बात सही है, क्योंकि आपका जैन कम्युनिटी में आपको बात मालूम है कि कौन सा सामान उठाना है, कहाँ देना है, किससे क्या बात करना है, कितना मीठा करना है, सरकार से क्या बातें करनी है, ठीक है। तो वो उसकी कला है, वो उसको गुण भगवान ने दिए, क्षत्रिय है वो, शादी ठोके पाठ ठोके, वो देखो नवजोत सिंह सिद्धू कैसा मैच जीत गया तो कैसे वो बल्ले बल्ले कर रहा था, ओए आजा ओए तो ठोक दे, आज जब उनके विकेट गिर रहे साउथ अफ्रीका ए भग इधर से ए, क्या बोलो था कुछ तो उड़ गया डंडी गिल्ली उड़ गई, वो वैसा है। वहां कोई ब्राह्मण कमेंट्री करता था ऐसे बोलता, इस प्रकार गलत शॉट खेलते हुए पेविलियन की ओर जाते हुए ऐसा बोलता, लेकिन वो पल्ले हुए वो क्षत्रिय है, उसके खून में वो आएगा ही आएगा। कोई मराठा है, वो मराठा है उसको वो छोटा सोचेगा ही नहीं, वो कुछ तो ऐसा शासन का ही सोचेगा, इसलिए वो मराठा आ रही है उधर। आरक्षण से आपको शासन नहीं मिलेगा, आपको शासन करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को बहुत अच्छा लगता है शासन करता है ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी आप ज्ञान देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बनिया तुम लोग धंधा करते रहो, बस मेरे को एक गद्दी उद्दी पे बैठने तो अच्छा लगता है। इसलिए आप देखिए कहीं यूपी बिहार में जाएंगे तो यादव लोग होते हैं, भले ही वो इलेक्शन में आप लोग बीजेपी कांग्रेस सब करते हो, लेकिन यादव लोग बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ऐसा उनका चॉइस भी उजला वाला बूट होता है, उजला झब्बा कुर्ता पहन लेंगे, एकदम पाँव ऐसा स्टाइल में रखेंगे इधर, ऐसा साउथ इंडियन स्टाइल, आइए ऐसा बैठा रहे। आप बोलिए महाराज ये थोड़ा सा जमीन का विवाद हो गया, हम चाहते हैं इतना कट्ठा जमीन थोड़ा हमको मिल जाता तो हमारे बच्चों का भी, ए तुम हाथ नहीं लगाएगा, दे दो उसको, खत्म मैनेजमेंट खत्म, ना कोई कोर्ट कचहरी, ना बड़ा भाई छोटा भाई बहन मांग रहे हिस्सा वो मांग, कुछ नहीं, वो बैठ गया हो गया हिस्सेदारी। आजकल क्या है, वो काला कोट पहन के चोरवा वहां बैठा रहता है, कुछ लिख देता है, फिर वो काला कोट की जज वहां बैठी रहती है, वो जज खुद बोल रहे हैं ईडी को कि इतने बड़े बड़े प्रूफ हम कहां से पढ़ेंगे, तो मांगा क्यों, नहीं पढ़ना था तो। तो पॉइंट क्या हो रहा है कि अपने अपने गुणों से जब आदमी काम करता है तो वो अपने आप में वो सेटिस्फेक्शन, इसलिए भगवान अर्जुन को क्षत्रिय के बाहर नहीं आने दिए, बोले तू क्षत्रिय ये कर और माम अनुस्मर युद्ध चा, आपका सक्सेस आपका सेटिस्फेक्शन आपके कामों में है, ठीक है। आपके जो दायित्व है जो आपके गुणों से बने हैं उसको करते रहिए और अंदर से क्लियर रहिए कि ये सर्वे सर्वा नहीं है, ये मेरे दायित्व है जो मैं भगवान को समर्पित करते हुए कर रहा हूं, खत्म कहानी। फिर अंत समय भी आएगा तो मुक्त हो जाएगा आदमी, कोई बंधन नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक और चीज पूछना था, जैसे अभी आपने सहजिया के बारे में बोला, तो प्रभु जी ये जो पांडा लोग होते जब जगन्नाथ जी का ये रथ ये रहता है तो वो लोग उनके ऊपर हाथ रखते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं उनको, मतलब कुछ मतलब उनसे उनका आदान प्रदान रहता है, तो वो लोग जैसे शब्द यूज करते हैं तो वो रेगुलर नहीं बोलते ऐसा। जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी के पास रेगुलरली ऐसा नहीं करते, मतलब रोज जाके वो जब फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल के दिन वो एक अलग आनंद व्यक्त करते हैं और वो अलाउड है, ऐसा नहीं। जैसे हमारा भी पुजारी जाता है श्रृंगार करता है, मैंने किए तो मैं भगवान से बात करता था, राधा रानी का जब श्रृंगार करके लगा देता था बालवाल तो बोलते ऐसे तो अच्छी दिख रही है लेकिन मैं काम करूंगा कल मैं ऐसा वाला बाल लगाऊंगा, ये बात तो करना ठीक है।
लेकिन उसको रेगुलर प्रैक्टिस करके साधना बना देना ये गलत है। आप नहीं समझे, जैसे आप जो बाकी दर्शन लेने आ रहे हैं, हाँ बाकी लोग जो दर्शन लेने आ रहे हैं, तो ये लोग वहां जाके जगन्नाथ जी को ऐसा आलिंगन दे के बातें नहीं कर सकते, वो ओनली रथयात्र के समय कर सकते, बाकी समय उन्हें प्रॉपर वर्शिप करना चाहिए। तो सहजिया एकाद बार कर देना, वो प्रेम भाव का व्यक्त होना ओके नो प्रॉब्लम, साधना रूप में नहीं होना चाहिए, समझ गया, रेगुलर नहीं हो जाता। ओके थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। अरे यस राजवीर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, मेरा तो सवाल ही मैं तो भूल गया, आपने अपना जो एक्सपीरियंस बताया उससे बहुत सारा चीज रिलेट कर रहा था मैं, मेरे तो सब प्रश्न खत्म हो गए, लेकिन प्रभु जी मुझे एक प्रश्न था, हाँ याद आ गया, कि जैसे हम भक्ति करते हैं और भक्ति करते भी हैं, मतलब जाते हैं मंदिर जाते हैं सारा चीज करते हैं, और हमें लगता है कि जो भगवान के प्रति हमारा ये प्रेम है और हम कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन भी करने लगते हैं और शास्त्र भी पढ़ते हैं जानते भी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे एक्टिविटी में है, नॉलेज भी रहता है, लेकिन वो आचरण में दिखता नहीं है, जैसे किसी भी चीज को इफेक्ट होना चाहिए आचरण में वो दिखता नहीं, फिर भी हमें वही काम क्रोध ईर्ष्या ये सब भरा रहता है, तो इसको कैसे कैसे देख सकते हैं हम। और एक एक दूसरा प्रश्न ये है कि हमें भक्ति डीग्रोथ होती है तो दिखता नहीं है, लेकिन जब ग्रोथ होती है तो दिखता है, तो डीग्रोथ हो रही है हमारी भक्ति, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं कि हमारी भक्ति देखिए, पहली बात तो ये टेक्निकली रॉन्ग स्टेटमेंट है कि भक्ति ग्रोथ हो रही है डीग्रोथ हो रही है, भक्ति जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी है, बस वो मैनिफेस्ट लेवल पे आता है, तो मैनिफेस्ट लेवल होता है तो जितना वो जाग चुका है ना उससे नीचे वो जाएगा नहीं, ज्यादा ज्यादा ढक सकता है, यानी आपको जो अनर्थ है उनसे वो ढक जाएगा, तो अनर्थों को भक्ति को इतना तीव्र कर दीजिए कि वो अनर्थ जल जाए। ओके, भक्ति को इतना तीव्र कर देना, तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेत पुरुषा परम, भक्ति को तीव्र कर दीजिए उसे वो जल जाएगा। ठीक है, बाकी वो द्वेष वेष जो है ये सब समय समय से निकल जाते, तो ये मतलब हमारा दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है, नहीं कोई नहीं है, मतलब ऐसे वो मतलब हमें उस शास्त्र को आचरण में कैसे मतलब किस तरीके से ला सकते हैं, थोड़ा अभी जो स्थिति है उसमें रहिए, धीरे धीरे दुनिया सुधार देगी आपको। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और है, ये पूछ रहे हैं प्रभु जी थोड़ा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। हाँ बोलिए। दिस इज विनीत। हाँ यस Prabhu ji, I had a question. I don't know if this is a valid question or not. So I was thinking of asking this question to somebody. So it's good that I'm talking to you now. Prabhu ji, earlier when we started doing our prayers and morning prayers and everything, also mala included. So there was this condition of calmness. There was this condition where we were like sort of maybe for a second at least, but also transcendental, it was very transcendental, like one with God and everything, but that eventually got stopped. Now when we do mala also, it sometimes it becomes mechanical while we do mala and everything. Is this also one of the reasons in places like Vrindavan people become sahajiya, maybe just to try if this is a way to be one with God or what? Like, I don't know, maybe this is something that it was not bothering me, but I was kind of skeptical of this condition of being sahajiya. So is this also one of the reasons why people try to be one with God? I mean, trying different ways to be one with God or something. See, you don't have to be one with God in any method. You just have to follow the process given by the acharya. Yes, true. Aapko Bhagawan ke पास जाने के लिए अपने दिमाग से कुछ नया नहीं करना है। आपको क्या बोला है? आपको बोला है आपके गुरु जी ने कि इस पे 16 माला करी, तो पहले तो नॉर्मल जो माला करते थे तो आप नए नए थे, तो आपने इसको चीपली नहीं लिया था, सीरियसली लिया था, तो आप ध्यान में बैठ के हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो आपने इसको क्वालिटी टाइम और क्वालिटी कॉन्शियसनेस दिया, बराबर, तो आपको काम फील हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा तो आपने भक्तों के बीच में कैजुअल लाइफ रखा, भक्तों को भी कैजुअल समझा, भक्तों ने आपको भी कैजुअल समझा,
उसके बाद आपने माला भी कैजुअल कर दिया, उसके बाद आपका चैंटिंग कैसा था? अब फिर आप चैंटिंग ले लिए, फिर आप जाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, फिर भगवान बोलते कोई बात नहीं, पहले जब सीरियस किए तो भगवान कृपा दे रहे थे, बीच में किया तो भगवान पीछे ले लिए। हाँ, तो नाम अपराध से बचना है तो। आपको नया कुछ नहीं करना, नहीं वो सब भी छोड़ दो, जो दिया है ना दवाई वो टाइम पे खाओ, सुबह उठो ठीक है, 100 काम भगवान को याद करो, उनको ग्रेटिट्यूड रखो, फिर थोड़ा भागवत पढ़ लो और लोगों में जाके प्रचार कर लो, कोई सेवा मिल रहा है तो उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ ये सोच के, तो बाकी पीछे तो एक पॉलिटिक्स बनेगा ही, कोई भी सेवा होता है तो पीछे राजनीति होता ही। अब मैं राजनीति नहीं करता ऐसा बात नहीं, जब मेरे यहाँ अब जन्माष्टमी का मीटिंग होगा, राउंड वन राउंड टू मीटिंग होगा, तो मुझे गांव वालों को समझाते हुए ध्यान देना पड़ता है, ये गांव वाले इससे ये चीज इनको पसंद है ये इनको नहीं पसंद है, लेकिन इसका ये लीडर पीछे से चिल्लाएगा, तो ये सब सोचना पड़ता है, आप उधर पागल की तरह नहीं बैठ सकते, आपको देखना पड़ता है ये, अरे ये तो उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व है, ये इसका है, तो इन दोनों में यहाँ लड़ाई हो जाएगा, तो मुझे ऐसी बातें करनी पड़ती है। वो लोग उकसाते हैं, प्रभु जी पिछले जन्माष्टमी में रास्ता बहुत खराब था, आप एक काम करिए आप एक लेटर पे लिख के दीजिए। मैं बोला देख भाई मैं गुरुकुल चला रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी लिख के नहीं दूंगा, विधायक सांसद प्रतिनिधि ये पार्टी वो पार्टी अपना समझे, मैं मेरा जैसा रास्ता होगा मैं मेरे अतिथियों को वैसा बुलाऊंगा, रास्ता अच्छा बनाना है बुरा बनाना है, कल कलेक्टर मैडम कुछ बोल रही थी, अब सरकार से बोलिए, मैं बोला मैडम सरकार आप ही है अब मैं किधर जाऊँ, कलेक्टर बोलता है एमएलए के पास जाओ, एमएलए बोलता है एमपी के पास जाओ, एमपी बोलता है अरे गवर्नर सर आपके पहचान के, गवर्नर बोलता है प्रेसिडेंट आ जाएंगे, तो नो अब ऐसा है कि अब प्रेसिडेंट को लाएंगे तभी रास्ता बनेगा, और एक्चुअली मैं चाहता नहीं रास्ता अच्छा बने, फालतू के लोग आने लगेंगे, पता लगा रोमियो जूलियट बैठा है कोने में और वीडियो बना रहा है रील्स, तो मेरा तो डबल मार्क आएगा, मैं तो बहुत धोता हूँ, मेरे चक्कर में गिरा ना इधर गुरुकुल में थोड़ा भी 19-20 नहीं होने देता हूँ, तो ये रास्ता नहीं बने वही अच्छा है हिंदू ऐसे। तो पॉइंट क्या है कि राजनीति तो सब जगह होता है, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपको वो सेवा भाव में होना चाहिए, मैं उस सेवा के लिए आया, आप खड़े हो जाओ ना, आपको चरणामृत बांटने का सेवा दिया बांटो प्यार से बांटो, अब पीछे पॉलिटिक्स हुआ कि चरणामृत मैं आधा पैकेट लेके जाऊंगा, वो होने दो, वो तुम्हारा काम है प्रभु, होने दो, देखो कम से कम जहर तो नहीं मांग रहा है ना वो, चरणामृत मांग, देखो भक्ति एब्सोल्यूट है, या कुछ भी करेगा तो आदमी भक्ति बनेगा, चंदन से सांप घिसेगा तो चंदन विषैला नहीं होगा, सांप सुगंधित हो जाएगा, मतलब जब वो वहां से घिस के निकल के अपने सांपों के तबीले में जाएगा तो लोग बोलेंगे यार तुम तो बड़े रोमांटिक हो, क्या परफ्यूम लगाए हो तो आपको चंदन मिला है, प्रभुपाद जी का मूवमेंट मिला है, तो उसके मैनेजमेंट में आपको समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन आप हरिनाम को उतना ही वैल्यू दो जितना उसका है, यस, महिमा है उसको कम नहीं करो, ये भक्त मुझे ऐसा बोला, ये भक्ति बेकार है, ये आपने सोचा ये गलत विचार किसने किया, आपने किया, वो आपको तकलीफ दिया उसके 100 कारण हो सकते हैं, अब मेरे को तो वो सीनियर इतना पावरफुल था वो सच में उखाड़ दिया, मैं वृंदावन के तो अभी उखाड़ने आया तो समा बच गया मैं तो, लेकिन अब वो उखाड़ने आया तो मैं ये सोच रहा था कि भगवान बड़े कि थोड़ा, और जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ज्यादा कृपा, उससे पहले मैं राधा रानी से ज्यादा मतलब आश्रित था, लेकिन वो होता ना टोटली वाला फीलिंग नहीं आ रहा था, तो जब बंबू लगा सब जगह से तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं वृंदावन गया तो कई कथा सुना कि राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, वो चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा, मैं गया वृंदावन में राधा श्याम सुंदर को बोला ये राधा रानी बस तेरे चरणों आया हूँ, पूरा बाउंसर जा रहा है, एक तो पॉलिटिक्स नहीं समझ रहा है, एक तो फिलोसफी उतना भी क्लियर नहीं, सेवा भाव है, घर वालों को छोड़ दिया, उनको मेरा प्रॉब्लम बताए तो अभी घर बुला लेंगे, तो सब जगह से फंस गया, आखिरी यू आर द ओनली सॉल्यूशन, और आपको बता रहा हूँ कैसे वहां से राधा रानी सब कुछ अच्छा देते हुए मुझे, तो आप जब अंत में शेल्टर लेते हैं सही जगह तो सब हो जाता है, तो भक्ति नहीं छोड़ी, बाकी समस्याएं क्या है अभी भी है, समस्याओं का अंत थोड़ी है, आरोप प्रत्यारोप किसी और ने लगाया अभी भी कोई लगाता है, अभी भी कोई बच्चा समझो पढ़ के नहीं गया तो नहीं हमको वहां नहीं पढ़ाया, तो उसका क्या करेंगे,
पढ़ाने के बाद भी बोलते नहीं पढ़ा तो हम क्या करें, आरोप से जीना भी सीखो, सीखो समझा, प्रेशर में जीना सीखो। यस यस प्रभु, एब्सोल्यूट सरेंडर। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्णा। 10 तो बज गए लेकिन गायत्री माता का हाथ पहली बार ऊपर आया है तो उनको मौका देते हैं। यस हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रभु जी जसं आता तुम्ही सांगितलं आता क्लास मध्ये की आपला म्हणजे आजच्या या क्लास मध्ये जे झालं की ब्लॅक मॅजिक कोणी करतं, तर त्यांना नंतर शिक्षा होते का, कि भगवंत त्यांना शिक्षा देतात का? हो, किंवा कारण तुम्ही कोणाला तरी कानाखाली मारली तर तू कोटा राहतो ना त्याच्याकडे तुम्हाला द्यायला, तसंच कोणीतरी तुमच्यावर काळा जादू केला तो कोटा त्याच्यावर उरून राहतो। पण आपल्याला कसं करणार की त्यांना शिक्षा झालीय किंवा असं कसं करणार? वो आपके सामने उसको दंड मिलेगा, सामने मतलब इस जन्म में तो किसी और जन्म में, आपके सामने दंड मिलेगा। थैंक यू प्रभु। मिलेगा क्या मिलेगा, देखो प्रारब्ध का खेल तो इतना आसान नहीं समझना, दंड मिलेगा जरूर। जी प्रभु, थैंक यू। यस, एक काम करेंगे, सौरभ जी का आखिरी क्वेश्चन लेंगे और आज के लिए होल्ड कर देंगे, बच्चे लोगों का कल क्वेश्चन लेंगे। यस सौरभ जी, हरे कृष्ण प्रभु। मेरा क्वेश्चन तो नहीं था, बस ये बोलना था कि प्रभु आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है और रास्ता तो बहुत अच्छा ही था, मैं आया था तो बस प्रभु ठीक है, थैंक यू। ओके, बाकी कल मिलते हैं, 10 बज गए हैं, है ना, आप लोगों को भी बाकी काम है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण।